नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछी माथुरी प्रथमे हेडलाइंस। राज्य रे रिकॉर्ड भांगिला कोरोना आक्रांतों संख्या 24 घंटा रे 8386 पॉजिटिव चिन्हट। खोर्धारु सर्वाधिक 1840 संक्रमित, सुंदरगढ़ 933, कटक 496। गंजाम हिंजिली आसला सांघातिक अभियोग, चिकित्सा अवहेलू चलीगला रोगी जीवन। करोनार नेगेटिव रिपोर्ट न चिकित्सा कले डाक्तर, रिपोर्ट नदे नेगेटिव कहला कोविड केयर सेंटर। तृतीय पर्याय टीकाकरण आज आरंभ हो ऑनलाइन पंजीकरण। ओडिशारे प्राय 2 कोटी युववर्ग को वैक्सीनेशन करने को लक्ष्य, धार्य समय टीकाकरण होने आशंका प्रकाश। थाने प्राइम क्रिटिकेयर हस्पिटाल भयंकर अग्निकाण्ड, चलीगला 4 रोगी जीवन, अन्य गुरुतर रोगी को अन्यत्र हस्पिटाल को स्थानांतर। आसाम गुवाहाटी समेत उत्तर पूर्व बड़धरण भूकंप झटका, रिक्टर स्केल रे भूकंप तीव्रता 6.4। भूकंप रे केन्द्रबिंदु आसाम सोनितपुर अंचल, आतंक रे घर बाहर को चली आसिले लोके। पदारे पड़ा भद्रक चांदपाली एसआई बाबू को कारनामा, अभियुक्त को खसाइबा को मोटा अंकर लांच सह मागुछंती चिंगुड़ी, वायरल ऑडियो को नहीं चर्चा। एवं परलोक रे ओडिया साहित्यर मौड़मणि, पुडुचेरी आश्रम हस्पिटाल चिकित्साधीन अवस्था मनोज दासों देहांत। दीर्घ दिन धरी थे असुस्थ, पद्मश्री और पद्मभूषण भाई सम्मान अधिकारी, शोक प्रकाश कले बहु विशिष्ट व्यक्ति। आसवा संपूर्ण खबर को, राज्य में बढ़ी चली कोरोना संक्रमित संख्या। गत 24 घंटा संक्रमण सबू रेकर्ड भांगी। गत 24 घंटा राज्य 8386 जन संक्रमित चिन्हट होते। खोर्धा जिलूर सर्वाधिक 1840 संक्रमित चिन्हट होती। सेपरी अनुगुण 347, बालेश्वर 202, बरगढ़ 257, भद्रक 67, बलांगीर 358, बौद्ध 83, कटक 496, देवगढ़ 61, ढेंकानाल 21, गजपति 96, गंजाम 209, जगत सिंहपुर 129, जाजपुर 270, अंपटे झारसुगुड़ 433, कलाहांडी 126 जन संक्रमित चिन्हट होती। एने अधिक सूचना पाई आम सहित आम प्रतिनिधि सुंदरगढ़ आम प्रतिनिधि जोड़ रही आम सहित सागर पटनायक। सागर, ये हूँ जो चित्र आसूची बा जो ट्रेंड रोला 6000 आउ से भितर सुंदरगढ़ चित्र आम देखीचु सबुब प्रथम व द्वितीय स्थान रोला आज भी से सामान चित्र आसूची जिते कोरोना संक्रमित संख्या बढ़ुची सुंदरगढ़ में मध्य ये संख्या बढ़ी बढ़ी चली पखापाखि 1000 छुईवा को बस चिंतार विषय पलटि लोक मन में भय रही पूर्व जिते देखा जाता लोक सेतेटा सचेतनता नाला कोविड कटकणा कोतेटा पालन करूँ वर्तमान से पालन करने को बस लेनी तथापि तो किसी अमानिया रही जाइंट जो मैंने कि ठीक भाव पालन करूना कि जिला प्रशासन पक्षर उपयुक्त पदक्षेप बर्तमान नि छक चेकिंग करमानिया को फाइन करा जाउची। जदि गत सप्ताह कथा कहवा पाखापाखि 2,44,000 टंका अमानिया ठारु वसूल करा जाइची तो एसबु सत्वे मध्य किछिटा स्वास्थ्य स्वास्थ्य को नहीं कि कोविड स्वास्थ्य को नहीं कि किछिटा पदक्षेप नेबार आवश्यकता रहिछि जहाँ स्थानीय लोकंकर डिमांड रहिछि जे सुंदरगढ़ रे आरटीपीसीआर टेस्ट हेइ पारु नाही। सुंदरगढ़ लोक जेतेबेले आरटीपीसीआर टेस्ट करा राउरकेला पठा जा तार रेजल्ट आसा को 5 रु 7 दिन पर्यंत समय लग जा तेणु यही 7 दिन जो समय रोचे से समय रे लोकंर स्वास्थ्य बिगिड़ जा अथवा जो मानकर टेस्ट रेजल्ट आसुनी से अन्यत्र बुलाबूली कर संक्रमण को आहरी बढ़ई दौंट तेणु सुंदरगढ़ जो एनटीपीसी कोविड केयर सेंटर रही सेठे लैब फैसिलिटी रही कि कहीं टेस्ट करें लोक प्रश्न करतमान अं कथा है सुंदरगढ़ एनटीपीसी हस्पिटाल जो भाई भेन्टिलेटर एवं आईसीयू बेड र सुविधा कर दि जाए पार जेहेतु कोरोना संख्या बढ़ुची से बर्तमान दावी हो
तेबे सागर ये कथा आसुच्छे केवल जे सुंदरगढ़ कथा नुहे सारा राज्य रे केवल टेस्टिंग रा मात्रा कमी जेउति पाई के 6000 लगातार भाबे ये ट्रेंड रहितला किंतु जेतेबेले टेस्टिंग संख्या बढा कला आ आज से चित्र आसीच्छे 8000 टपिला पाखा पाखी 9000 मुहा होची आ ये सब भितरे ढेंकानाल कथा कहबा पा ये जो सुंदरगढ़ कथा में कहूचु सुंदरगढ़ रे मध्ये चित्र समान ढंग रे बढ़ुची पाखा पाखी 1000 मुहा होबा को बसीची आ ए संख्या रे किभली ब्रेक लगा जाय परबो प्रशासन केते प्रस्तुत रहिछे निश्चित भाव में जोटा कहला कि टेस्टिंग एवं ट्रेसिंग बेसी एवं ट्रीटमेंट तीनोटी टी उपरे जो गुरुत्व देवाई कहला तार कौन ना कौन जगह चुप रही जाती प्रशासन पाखे कारण प्रथम जो टी रही टेस्टिंग टेस्टिंग संख्या बढ़ाई दि जाए अनेक समय देखा जाए राउरकेल टेस्टिंग किट सरी जाद्वारा कि कटक पठा जाए कि 7-8 दिन जो समय लग जा किछिटा पेशेंट मानकर सेमानकर स्वास्थ्य अवस्था बिगड़ी जाउची कारण कोविड हॉस्पिटल रे सेमाने एडमिट हेई पर नांती ऑक्सीजन रो मात्रा तांकर कमी जाउची तथापि सेमाने कोविड हॉस्पिटल रे निजो को भर्ती करी पर नांती जेहेतु तांकर पॉजिटिव रिजल्ट नाही एई कारण रो सेमाने जेतेबेले घरे रहउचंती एवं घर रो अन्य मानको संक्रमित करचंती तेनु कोविड आक्रांतक संख्या बढ़ुची अन्य पटे जदि देखिबा वर्षे बीती गलानी सुंदरगढ़ एनटीपीसी कोविड हॉस्पिटल रे मध्य सदर महकुमारे मध्य तार व्यवस्था रही तार सब फैसिलिटी रही टेस्ट कर किंतु ता वर्तमान सुधा प्रशासन कौन पाई करना यह एक बड़ प्रश्न वर्तमान पलटि अन्य पटे जो ट्रूनाट मेसीन रही जार कि जहाँ कि ट्रिटमेंट रोग डिटेक्शन यूज किंतु ट्रूनाट किट अनेक समय सरी जाऊँ जहाँ कि बड़ समस्या पलटि प्रशासन यहाँ प्रशासन पर ये गोटे बड़ चैलेंज सृष्टि हो जिते टेस्टिंग को बढ़ाव तो कौटना कौटि लोके अधिक रु अधिक संक्रमित हे आए संख्या बढ़ी पड़ी चल आए सब भितर जो कथा आम प्रतिनिधि कहते जे आरटीपीसीआर टेस्ट सुंदरगढ़ में करना अर्थात राउरकेला पठा जाऊ राउरकेल जो नईपे से कटक पठा जा तो ये सब भितर राज्य सरकार कितु बाहा नौकर कोविड परिचालना सठिक दिगरे चली जहाँ कि पदारे पड़ू ये सब चित्र जो सामना कसुचे बहुत बहुत धन्यवाद सागर आपणकर तमाम सूचना पाए। कोविड नेगेटिव कहिला परे भी चिकित्सा कलेनी डाक्तर चिकित्सा अवहेलू चलीगला रोगी जीवन एपरी सांघातिक अभियोग आंजिकाटु उपखंड चिकित्सालय सेरकुड़ ब्लक काचखंडी ग्रामर सुनीता सेठी शरीर हठात असुस्थ होबारु परिवार लोके आंबुलांस जोगे हिंजिलीकाटु स्थित कोविड केयर सेंटर रे भर्ती करथिले सेठारे तांकर कोविड रिपोर्ट नेगेटिव मौखिक भावे कहिला परे हिंजिलीकाटु उपखंड चिकित्सालय रे भर्ती करा जायथिला किंतु डाक्टर रोगी को चिकित्सा करिनथिबा अभिजो करिछन्ते परिवार लोके केते काकुति मिनति हेला परे मध्य डाक्टर देखिले नाही केवल कोविड रिपोर्ट आनिबा को बाध्य करथिले कोविड केयर रिपोर्ट देइनथिले केवल रिपोर्ट नेगेटिव बोली कहि देथिले तेणु रिपोर्ट देखाइबा संभव होइनथिला तेणु उपखंड चिकित्सालय रे केवल ऑक्सीजन टिके दे चुप रही जाइथिले अन्यपटे डाक्टर कहते रोगी को उपयुक्त चिकित्सा सुविधा जोगाइ दि जाए से गुरुतर थे तेणु तांकर मृत्यु हो बर्तमान आप जानते बर्तमान कोविड सिचुएशन रे प्रथम डॉक्टर देखा पूर्व प्रथम कोविड टेस्ट करती कोविड टेस्ट कला बर्तमान नेगेटिव रिपोर्ट मौखिक भाव कहीदे कितुपर ये पठेदे ये आसला ऑक्सीजन लगे मुते रिक्वेस्ट होकर ये बर्तमान सार पांचटू गाँव आंबुलांस जो आसे ये बर्तमान 6:45 पहुँचल सार 6:45 आमर बर्तमान डॉक्टर को बहुत नेहरा सार बुझे मुझे सार सालाइन दिंतु पेसेंट टी बची सार सालाइन बोले ना तार कोविड रिपोर्ट सार कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आमे भी गोटे एनजीओ रे अवेयरनेस भाव काम करुचु आम भी गोटे पर अच्छी सार आम जब कोविड पॉजिटिव होता आम भी छुई नाता बापा भी पुह को छुईबी सार नहीं एक्चुअली कौन ना जो पेसेंट आसते बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी बहुत क्रिटिकल कंडीशन मैंने एजे से गैसपिंग स्टेज आम आसू आसू संगे संगे ही ऑक्सीजन लगेलु संगे संगे मैंने 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 विदिन 5 सेकंड भितर ऑक्सीजन लगाई किंतु पेसेंटर कंडीशन बहुत सीरीयस था से गैसपिंग स्टेज कि ऑक्सीजन लगे भितर ही तार डेथ हो आसबार गोटे 15 कि 20 मिनट हे
20 मिनट हो आमे कौन कलु मानते जो पेसेंट कहलु कि आपन जब टेस्ट करें पुर्णा मेडिकल जाइए पुर्णा मेडिकल जाइए टेस्ट कर आसमें कहलु जब टेस्ट कर रिपोर्ट आनतु आम अक्सीजेन लगे ट्रिटमेंट चली कंटिन्यू चलती आसा भितर मानते रिपोर्ट धरिक आसबार गोटे दु तीन मिनट भर तर डेथ हो। तृतीय पर्याय टीकाकरण पर आज आरंभ हो ऑनलाइन पंजीकरण। यह पर्याय ओडिशा रे प्राय 2 कोटी युववर्ग को कोरोना टीका देवा लक्ष्य थे देश में यह वर्ग में अच्छा प्राय 65 कोटी लोके मे पहला आरंभ हो टीकाकरण में 18 रु 44 वर्ष मध्य युववर्ग को सामिल कर तेणु पूर्व 2 पर्याय अपेक्षा यह पर्याय बहु अधिक लोकों टीकाकरण हो ठीक एतिक बेले टीकाकरण में विलंब होगा नहीं आशंका प्रकाश पाई। चाकरी करिबो पुलिस माछ खाई पुलिस यार यथार्थ उक्ति को दोहराई चांदपाली थानार एएसआई हरेकृष्ण पाढ़ी। चांदपाली थानार एएसआई हरेकृष्ण पाढ़ी जने अभियुक्त को खसाई देवा सह तार ना काटि देवा को मागुछंती मोटा अंकर अर्थ और चिंगुड़ी माछ एमिति रोचक ऑडियो एबे चांदपाली रे मोबाइल रु मोबाइल घुरी बुलुची। ऑडियो टी किछि दिन तलर बोली चर्चा हेउची तबे ऑडियो कॉल घटना आगो को की रूप नेउची एवं एएसआई को उपरे जिला पुलिस मुखिया की पदक्षेप नेउछंती तो समय ही कहिबो हेले तांकु तुरंत बदली करिबा पई सबु महलरे दाबी जोर धरिछि। 12 तो ब्राह्मण लोक 12 तारा ठीक ठीक कहिबे सर घर जीवा बड़ कहिबे मंगलवार आसी गेले बुधवार दिन सकाळ मु पठेबी भुवनसर नंबर मु कहिबे आपन को जेतो दरकार 3-4 किलो दरकार कने सर ठीक है सर 4 किलो 5 किलो दे दो ओ ये विषय रे मोटु टेलीफोन करला एटा की जानिबेन मो चाकरी रे एटा सर टंका 1000 2000 कि 3000 5000 जति को आपन को भरोसा छ मोटु ऊपर से भरोसा नै हो मोटु ऊपर 100% मो भरोसा सिथि पै एटा परसेंट बे परसेंट कि जबन भूलवार व्हाट्सएप रो पठे दो पठे देला परे बुधवार दिन उठारी कल की अछि पूजा ये अंतर्गत पूजा बालेश्वर कल गले पर दिन बुधवार मैंने गुरुवार शुक्रवार भितर व्हाट्सएप से पठे था मोटू कह इंद्रला देखिए दस्तटी करदे दुटा दस्त इन अधिक आलोचना आम सहित आम प्रतिनिधि भागीरथी सेठी जोड़ी रही भागीरथी जो अभियोग आसूची चांदपाली थाना रो जो एएसआई हरेकृष्ण पाढ़ी जो ऑडियो वर्तमान समय वायरल होइछे ये केते दिन तलर ये संपूर्ण घटनाक्रम कोन रहितला मोबाइल टू मोबाइल पे घोरी बुलुची जो एएसआई हरेकृष्ण पाढ़ी जो पूरा अभियुक्त को ना काटि देबा पई एवं ताको जो मागुचंती टंका मागुचंती एवं जो माछ मागुचंती जो ऑडियो पे पाखापाखी खूब कम दिन भीतर जणा पडुछे किंतु सठिक केबे एबे आकलन करा जाई परु नै किंतु जणा पडुछे अपदिन भीतर हरेकृष्ण पाढ़ी चांदली थाना रे पाखापाखी 3 वर्ष रहिलेनी 3 वर्ष भितर से पाखापाखि जो ये ऑडियो टी पाखापाखि 1 मास कि 2 मास भितर अनुमान कर तो किछि दिन तळर ए ऑडियो बोली चर्चा होउछे किंतु ए सब भितर भागीरथी जानिया को चाहिबो ये ऑडियो कॉल जेतेबेले वायरल हैला पुलिस बाबू एठारे माछ मागुछंती मोटा अंकर टंका मागुछंती किभले अभियुक्त को खसाई देबाको प्रकृत रे पुलिस सुरक्षा देबाको ना अभियुक्त को खसाई देबाको इसपर एडो कथा कोई भी जो हरेकृष्ण पाड़ी एएसए अछि तांकर चांदली थाना रे 3 थर ट्रांसफर ऑर्डर आसीछि किंतु 3 थर ट्रांसफर ऑर्डर से ऊपर महल चापी देछंती मध्य ताकनार संगीन अभियुक्त बहुत आसीथिले मध्य हरेकृष्ण पाड़ी एमिति जने एएसए अछि तांकर अनेक अभियोग आसले मध्ये तांकर ऊपर कोनो कार्यान जिला मुखिया नै नाथि एबे जो ऑडियो टी वायरल हेछि जो अभियुक्त को ना काटि देबा पई व्हाट्सएप रे जो मेसेज देला जो ना काटि देबा संगीन अभियोग जो माने कार्य करबा पई से प्रतिशुद्ध होउछि अभियुक्त मान सटो जो मीडिएटर रहले तांकर सटो कथा होत होउछि बाकी रहला तो पुलिस मुखिया जिला रहला से तांकर पर केमिति कार्य अनुष्ठान होउछि से त आगामी दिन जड़े किंतु निश्चित भाव पर चांदली बासी एबे सुधा दाबी करथिन एजने एबे जने करप्ट अफसर को चांदल तांको बहिष्कार बदली करा जाउ ये दाबी करछंती चांदपाली बासी किंतु भागीरथी जानिया को चाहिपु जेतेबेले कि आपण पूर्वर मध्ये कहतिले जे तांको पूर्वर मध्ये कहा जाय छि जे तांको बदली को दाबी करा जाय छि आगरु एभले अनेक किछ कारनामा करछंती जेउति पई कि तांको बदली पई चर्चा जोर धरिथिला आ ए सब भितरे वर्तमान समय काहे कि तांको बदली करा जाउ नाही काहे कि तांको विरोध रे कोनोसी कार्यनुष्ठान न्या जाउ नाही का चापर होछि जेउति
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିବା ତିନିଥର ତାଙ୍କର ବଦଳି ଆଦେଶ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ତିନିଥର କୌଣସି ମତେ ସେମାନେ ଉପର ମହଲରୁ ଚାପ ଦେଇଛି, ତିନିଥର ବଦଳି ଆଦେଶକୁ କ୍ୟାନସଲ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାକି ଲଗାତାର ଯେହେତୁ 3 ବର୍ଷ ରହିଲେଣି, ଏହା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅସାଧୁ ଚନ୍ଦନ ଯୋଉ ହେଲେ ମାଫିଆମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିପାରିବି କୋଇଲା ମାଫିଆ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯୋଉ ଜୁଆ ଖେଳ ମାଫିଆ, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଜୁଆ ଖେଳ ମାଫିଆକୁ ଗିରଫ ହେଇଥିଲା, ଏମାନେ ସମସ୍ତ ସହିତ ଏ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ସବୁ ମେନ୍ ଯୋଉ କଳା କାରାଗ୍ରାମ ଚାନ୍ଦରେ ଚାଲିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, 2-3 ଥର ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବା ତାଙ୍କ ବଦଳି ଦାବି ହେଉଛି। ଏତେ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଏତେ ଅନୁକମ୍ପା ଏସ୍ଆଇ ବାବୁଙ୍କୁ, ତାହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବା ଏ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି, ତା ତ ସମୟ ହିଁ କହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଗ୍ୟରଥୀ ସେଠୀ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ପରେ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ। ଆସାମର ଗୌହାଟୀ ସମେତ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ସକାଳ ଠିକ୍ 7:55 ଏହି ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲ୍ରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 6.4 ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ଆସାମର ସୋନିତପୁର, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଏହି ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ଭୟରେ ଲୋକେ ନିଜ ଘର ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ଆସାମ ସମେତ ଉତ୍ତର ବେଙ୍ଗଲରେ ଏହି ଭୂକମ୍ପର ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଗୌହାଟୀରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଲଗାତାର 2 ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଝଟକା ସକାଳ 7:55 ହୋଇଥିଲା, ଏହାପରେ ଆଉ 2 କମ୍ପନ ଅନୁଭୂତ ହେଲା, ଫଳରେ ଆସାମର ଅନେକ ଘରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭୂକମ୍ପ କମ୍ପନ ପରେ ଆସାମରୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। भूकंप के झटके हल्के झटके थे, एक ब्रेक आया, 2-3 झटके थे। हमें तो बहुतों को तो पता भी नहीं चला, लेकिन हम लोग बैठे हुए थे, यहाँ थोड़ा झटका लगा और डर का थोड़ा सा माहौल हो गया था। एक बार हम दुकान खोल रहे थे, दुकान खोले गए, अचानक पूरा देखेंगे पूरा जोरदार दम भूकंप आया है। उसके बाहर आदमी निकल के प्रार्थना करने लगा, इतना प्रार्थना कर सब आदमी भागा, भागी लगा हुआ पूरा, यही सब देख के डर लग गया पूरा। दुनिया में बहुत बड़ा मतलब संकट आया हुआ कोरोना का, ऊपर से ये भगवान अपना लीला दिखाया है कि आदमी जाग जाओ, अभी भी समय है तुम लोगों पास, इतना मतलब मन में बात यही मत करो। କରୋନା ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଘଟଣା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ଥାନାରେ ପ୍ରାଇମ୍ କ୍ରିଟି କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି, ଏଥିରେ 4 ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଭୋର 3:40 ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଏହାପରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଅନ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବେଳେ 4 ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭା କାମରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁମ୍ବାଇ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବିରାର ସ୍ଥିତ ବିଜୟ ବଲ୍ଲଭ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଆଁ ଲାଗି 14 ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଥାନେ ପ୍ରାଇମ୍ କ୍ରିଟି କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଜି କେଉଁ କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ଆଜ ପାଟେ ସାଧାରଣତଃ 3:40 ବସ୍ତା ପ୍ରାଇମ୍ କ୍ରିଟି କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ଏତେ କଂସା ଏତେ ଆଗ ଲାଗିଲେ ମାହିତି ମିଳାଲି ହୋତି, ତ୍ୟାନୁସାର ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ ଆଣି ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ଼ଚେ ସର୍ବ ଅଧିକାରୀ येथे पोहोचले होते आणि लगेच आतमध्ये जे पेशंट्स होते त्यांना बिलाल हॉस्पिटल, काळसेकर, नंतर कोविड हॉस्पिटल आणि गुराणी हॉस्पिटल येथे शिफ्ट करण्यात आलेलं आहे। दुर्दैवाने त्याच्यामध्ये 4 लोकांचा अद्यापर्यंत मृत्यू झालेला आहे आणि पुढील कारवाई चालू आहे। प्राथमिक माहिती अशी की इतर आमच्याकडे जी माहिती होती ती 12 रुग्ण होते, पण आतापर्यंत 20 रुग्ण असल्याची प्राथमिक माहिती अद्याप प्राप्त झालेली। आगीचं कारण हे फायर ब्रिगेड सांगेल, फायर ब्रिगेड नंतर त्याचं ऑडिट करून आम्हाला सांगेल की। ମାରାତ୍ମକ ମହାମାରୀ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟା ଭଳି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଂକ୍ରମଣଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କଲାଣି। ଏବେ ଦିନକୁ 6,000 ପରେ 8,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମେ ମାସକୁ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ ହେବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଆମେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ଆମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଭୂମି କ'ଣ ସକ୍ଷମ ହେବ କରୋନା ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି କ'ଣ। ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଅନୁସାରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଡାକ୍ତର ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ 12 ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।
अर्थात प्रति 1864 जनक पाई राज्यरे मात्र जणे डाक्टर अछंती। सेभळे ओडिसारे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पाई 6688 डाक्टर आवश्यक थिबाबळे मात्र 1326 मंजूरी प्राप्त डाक्टर पदवी रहिछि, आउ सेथिरु मध्य 409 टी पदवी खाली। राज्यरे जिल्ला हॉस्पिटल गुडीकरे मंजूरी प्राप्त 1437 पदवी थिबाबळे मात्र 1094 जण डाक्टर अछंती, एवं सब डिविजनल हॉस्पिटल मानकरे थिबा 567 पदवीरु 347 जन डाक्टर पदवी पूरण होईछि। एथिसहित गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र गुडीकरे 1529 टी पदवीरु 1276 पदवी खाली रहिछि। एभळी भाबे राज्यरे मोट मंजूरी प्राप्त डाक्टर पदवी 8720 थिबाबळे सेथिरु 4953 पदवी खाली पडिछि, एवं ओडिसार समस्त सरकारी डाक्तरखानारे 21338 टी नर्स ओ पारामेडिक्स पदवी रहिथिबाबळे अर्धाधिक अर्थात 14740 पदवी खाली पडिछि। तबे एबे देखन्तु कोविड रोगीक चिकित्सा पई राज्य सरकार कोन प्रस्तुति करिछन्ति। मिलिथिबा तथ्य हिसाबरे दिल्लीरे 3.5 कोटी जनसाधारणक पई 88 टी हॉस्पिटल 20308 टी बेड 4045 टी आईसीयू व्यवस्था थिबा परे मध्य कोविडर व्यापकता जुगु दिल्लीर अवस्था वर्तमान शोचनीय। से समय ओडिशार 4.5 कोटी जनसाधारण 68 टी हॉस्पिटल 8580 टी बेड 2248 टी आईसीयू कोविड 19 पई व्यवस्थित होई रहिछि। तबे स्वल्प भित्तिभूमि सह राज्य सरकार कोरोना रोगीकु केमिति चिकित्सा सेवा जोगाइबे ताकु नै प्रश्न उठाइछन्ति विरोधी। बीजेडी कहिछि उत्तम परिचालना पई राज्यरे कोविड मृत्यु अन्य राज्यठु कम रहिछि। राज्य सरकारकु अनुरोध आपण तुरंत आमर जो भित्तिभूमिर आवश्यकता अछि सेथिरे ध्यान दियंतु। तुरंत आईसीयू केमिति बढ़िब, भेंटिलेटर केमिति बढ़िब, बेड केमिति बढ़िब, आहुरी हॉस्पिटल केमिति हबो, आंबुलांस केमिति बढ़िब, जो जो जगार नाही सेठी युद्धकालीन भितर केमिति करा जिवो, ए समस्त कथाकु ओडिसा सरकार दायित्व को नियंतु कांध को नियंतु। ए विषय मु एथि पई आपण मानको आगेरे उत्थापन करबाकु चाहिली। जो दृश्य गत 4-5 दिन धड़किरी भारत बर्षर दिल्लीर देखा जाउछि, ओडिसार देखा जाउछि, ए चिंतार विषय अछि। तेणु आशा करूछि मो जो वार्ताटी आपण मानक देली आपको निश्चित भाव सरकार कार्य लगेबे, ओडिशार भित्तिभूमि को बढ़ेबे, प्रकृत ओडिशावासी जीवन बंचेबार समय आसी। ओडिशारे स्वास्थ्य सेवा संपूर्ण भाव रुग्ण संपूर्ण रूपे विपर्यस्त केते बेले मध्ये गोटे विराट बड़ विस्फोरण नब। आज 6000+ प्रत्येक दिन 6000+ आमर कोरोना संक्रमित रोगी जना पड़ुछ। बारंबार सरकार तरफ कह जे 70% बेड खाली पड़ी आम संपूर्ण रूप प्रस्तुत, किंतु सरकार प्रस्तुत नुहंती। गाँ गहली रे जिला मुख्यालय मानकरे सीएससी मानकरे अवस्था अति शोचनीय। ऑक्सीजन वर्तमान से पर्याप्त परिमाण में पहुँची पारिना, एम्बुलेंस व्यवस्था ठीक भाव में नहीं। मुख्यमंत्री को निर्देश बारंबार तदवीर करे आम कम्प्लेसेंट नुहे, आमे जो स्थिति की वस्तुस्थितर आम एलेबल रिसोर्सेस को लेकर समस्त को जड़ित करकबिला करुचु। गला पेंडेमिक पीरियड रे सफलतार सहित गला किछि मास तले तार मुकाबला करा जाइछि, डेथ रेट सबटु कम अछि, एवं एबे भी स्थिति कंपैरेटिवली देखिबे अन्य जगह रे अपेक्षा प्रभुंक करुणा रे सुपरिचालन रे ता ठीक रहिछि। एबे सरकार कहिछन्ति कोविड मुकाबला पई सरकार पूरा प्रस्तुत, 70% बेड खाली अछि, 2170 आईसीयू बेड रु 1060 बेड रे रोगी अछन्ति, 25% वेंटिलेटर खाली अछि। किंतु विभिन्न स्थान रो अव्यवस्थार पुळापुळा अभियोग सरकार को ए दाबी उपरे प्रश्न चिन्ह लगाइछि। पश्चिम ओडिसार 7 टी जिला रेड जोन रे अछि, विशेषकर छत्तीसगढ़ अनेक कोविड संक्रमित पश्चिम ओडिसार घरोई कोविड हॉस्पिटल गुड़िक भर्ती होती। सुनंतु बेड स्थिति नहीं कौन कहते झारसुगुड़ार मुख्य चिकित्सा अधिकारी। कोविड हॉस्पिटल अच्छी मंगल बजार कोविड हॉस्पिटल जोटा कि हाईटेक चलाऊँ से सब बेड फुल रही गोटे कोविड आनेक्स बिल्डिंग गोटे जो ब्लड बैंक सैड अच्छी 100 बेड रवस्था कर हाईटेक को जदिव मैन पावर में कहुई से मानते मैन पावर दे पार नहीं, कितना आम भल खुशी खबर गोटे आमपाई जो आनेस्थेसिस्ट अभाव रही है बर्तमान सुधा दिज आनेस्थेसिस्ट आम जॉइन करते जो आसटाट प्रफेसर लेवल आज जन पोस्ट पीजी ताकू छाड़ी गवर्नमेंट तरफ आमको 10 जन डाक्तर को दिखाई 10 जन रु 9 जन आम कोविड हस्पिटल में आज जन आम कोलाबीरा मेडिकल अफिसर जहाँ कि आम आ
କୋଭିଡ଼ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ଡ୍ୟୁଟି ଦେଇଛୁ। ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେହେତୁ ବେଡ଼୍ ଫୁଲ୍ ଅପ୍ ରହୁଛି, ଆମର କେମିତି ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ନ ହେବେ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇବାରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିତ ନ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ତିନିଟା CCC ଆମେ ଖୋଲିଛୁ। ଦିଲ୍ଲୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ ଭଳି ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ହାହାକାର ପରିସ୍ଥିତି। କେଉଁଠି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ରୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ବେଡ୍। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି କହି ସରକାର ନିଜ ପିଠି ନିଜେ ଥାପଡ଼ାଇବା ସହ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ କୋଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।